हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदास जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी, प्रदेश महामंत्री माननीय सतीश जी, विधायक भवानी सिंह जी, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री नाथू सिंह जी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी, देवली शहर के अध्यक्ष राम सिंह जी, देहात के अध्यक्ष भवनलाल जी, जिला अध्यक्ष शंकर जी थाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश जी जिंदल और पूर्व प्रधान उदयलाल जी गुर्जर और मेरे सामने बैठे हुए सब मेरी माता बहने, आपको सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी सबकी प्यार से राह देखी और ऐसे समय में मुझे मालूम है कि कम टाइम तो वो होता है जब घर जाने का अपना समय होता है और आप फिर भी यहाँ बैठी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ सब मेरे भाई और बुजुर्गण, आप लोग सब यहाँ बैठे, इतनी संख्या में आप लोग सब यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा पूरा अपना जोर लगाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को जो उपस्थित हैं यहाँ उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं कीर समाज जिसने आज अपने पत्र द्वारा हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, अखिल भारतीय कीर समिति का मैं आभार जताना चाहती हूँ जिसकी समाज ने आज घोषणा की है कि हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि उनके आने से हमारी पार्टी और हमारा परिवार मजबूत होगा। मैं आप लोग सबका बड़ी खुशी के साथ हमारी पार्टी के अंदर स्वागत करती हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। आपके आज ये मेरा चौथा संभाग है, इस चौथे संभाग के अंदर आज टोंक जिला को मैं देवली के साथ पूरा कर रही और कल भीलवाड़ा के इलाके के अंदर निकल जाऊंगी। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत मजा आया पर बहुत दुख भी हुआ। मजा आया सबसे मिलके परंतु दुख हुआ इलाके को देख के और लोगों की बात को सुन के, क्योंकि वाकई में साढ़े चार साल गुजरने के बाद मन में ये बात आती है कि बहुत सारे काम जो हम लोगों ने तब शुरू किए थे, कल्याणकारी योजनाएं थी और बिजली पानी सड़क, ये तो ऑर्डिनरी काम है, ये सब काम आगे चल दिए होंगे और हमारे क्षेत्र के लोग सेटिस्फाइड होंगे, ये देखने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई थी और आज देख के स्तब्ध होके जा रही। तीनों संवाद के अंदर भी मैंने यही पाया और ये चौथे संवाद के अंदर भी, ये दो दिन के अंदर भी मैंने यही देखा। जब जयपुर से निकली तो एक अच्छी सी सड़क थी, जयपुर से टोंक की जो सड़क कहलाई जाती है, और उस सड़क के ऊपर जब हम लोग निकले तो पहले तो गड्ढों से निकलते हुए बाहर आए, उसके बाद बहुत सुंदर डामर दिखाई दिया और मुझे लगा कि यह सड़क बन गई है। लोगों ने कहा कि ये 6 महीने ही पूरे हुए हैं, अभी अभी बनी है और ये सब लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। आगे बढ़ी तो गड्ढे और आगे बढ़ी तो गड्ढे, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर उसकी ये हालत हो रही है तो अभी तो बरसात भी नहीं हुई है और जब पानी पड़ेगा तो उस सड़क की क्या हालत होगी, मैं सोचना ही नहीं चाहती। और मैं सब लोग जिनसे मैंने मुलाकात की थी वो बार बार सब लोगों ने मेरे से यही बात की। आज देवली में आके सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ कुछ बात पूछना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। बीसलपुर बांध के नजदीक होने के बावजूद भी क्या स्थिति बन रही है? आपको याद होगा कि हम लोगों ने 400 करोड़ की स्कीम 2007 के अंदर तय कराई थी कि यहाँ से पानी गांव में देते हुए जयपुर तक हम लोग अपनी पाइपलाइन को ले जाने का कोशिश करेंगे। आज 7 साल पूरे होने को आ रहे हैं, 2014 के अंदर हो जाएंगे और अब मैं देख रही हूँ अभी मोड़ से जब निकली थी तो पाइप लग ही रहे हैं और जिस स्टाइल से चल रहा है मुझे लगता है कि ये काम अगले 2.5 वर्ष के अंदर पूरा नहीं होना है, जिस आराम से और जिस तरीके से वो सड़क वो जो पाइपलाइन पड़ रही। मैंने देखा कि नजदीक होने के बावजूद भी पूरी तरह से पेयजल आपूर्ति आपके कुओं से ही हो रही है, फिल्टर प्लांट सही ढंग से काम नहीं करते और अशुद्ध पानी की शिकायत सब दूर
और गांव में से जहां जहां मैं निकली थी सब लोगों ने मुझे आपके फ्लोराइड के बारे में बार बार मुझे बात की। क्या मुझे शहर के अंदर भी फ्लोराइड की समस्या है, खारे पानी की समस्या है, गंदे पाइप जो पुराने पाइप हैं उनकी भी समस्या है? ये सब हमारे साथ हमारे पास आई है और मुझे ये बताया जाता है कि दिन भर में हो सकता है कि 15 से 20 मिनट पानी की आपूर्ति होती है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? 10 अच्छा ठीक है भाई, 15 मिनट नहीं 10 मिनट। पर मैं सोचती हूँ कि 15 या 20 मिनट अगर दिन के अंदर शहर के अंदर पानी आ रहा है तो ये कहां तक पहुंच गया है। मैं तो बहुत ही मैंने इसका मानना सीरियस। बिजली की अघोषित कटौती, जनता पूरी तरह से परेशान। ये तो गांव में है और अभी क्या जनरेटर की आवाज आ रही है कि वाकई में बिजली जल रही है? क्या है जनरेटर? मुझे लोगों ने ये कहा कि शहर में बार बार कटौती होती है और गर्मियों के इस दौर के अंदर 4 या 5 घंटे की कटौती ये हमारे शहर के लोगों को सहना पड़ता है। क्या ये सही बात है? अस्पताल के अंदर आई स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट की पूरी तरह से कमी है। एक्सरे और सोनोग्राफी की सुविधाएं अक्सर खराब रहती है। ये सही है? उनियारा सामुदायिक चिकित्सालय समस्याओं से जूझ रहा है। अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। महिला चिकित्सक की पोस्ट होने के बावजूद वो भी नहीं है। और वर्तमान सरकार ने लाखों के बजट से चिकित्साओं की क्वार्टर्स बनाए तो है परंतु इतना उसका घटिया निर्माण किया है कि पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हालत में अभी बिल्डिंग हो गई है और क्वार्टर्स आज भी खाली पड़े हैं। क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सरकार उनियारा के अंदर कृषि कॉलेज खोला था। मैं पूछना चाहती हूँ कि कृषि कॉलेज चालू हो गया क्या? हाँ, कोई बच्चे जा रहे हैं क्या आप में से? कृषि कॉलेज के अंदर कोई जा रहा है? कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर नेगड़िया बांध पर ब्रिज निर्माण का वायदा किया था, वो वायदा पूरा हुआ? क्षेत्रीय विधायक ने चुनावी सभा में ये कहा था कि बदेरा के ढाई नदी पर पुलिया निर्माण का वायदा किया, वो भी पूरा हो गया होगा? तो मुझे तो सिर्फ इतना ही बताइए, मैं तो खाली ये देख देख के आपको बता रही हूँ। मुझे बताइए कि 4.5 साल के अंदर क्या काम हुआ? तो देवली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ गई हूँ जिस गांव से निकली हूँ वहाँ त्राई माम यही आवाज मेरे को सुनने को मिल रहा है। 4.5 साल कोई काम नहीं किया है परंतु कोई अगर जयपुर में बैठ के पूछे तो रोज हेडलाइन होती है कि वाह क्या काम चालू कर दिया है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है परंतु सस्ती दवाई लोगों को मिल रही है। मिल रही है सस्ती दवाई? मिल रही है मुफ्त जांच हो रही है? मुफ्त जांच नहीं ना। 1 किलो गेहूं किसी को मिल रहा है? 1 किलो रुपए के हिसाब से गेहूं किसी भी आदमी को मिला है क्या? और हम लोगों ने इतना हल्ला कर दिया है तो जहां 50,000 रुपए पीपीएल को अपने मकान बनाने के लिए मिला करता था उसको 70,000 तक ले जाने की बात वो कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि जहां जहां से मैं निकल रही हूँ वहां पेंशन के कैंप लगाने की तैयारियां। मैंने राजस्थान को जब आपने मुझे सपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, तो वो राजस्थान गड्ढे में से हम लोगों ने निकाल के एक बीमारू प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। 65 साल निकल गए, उन 65 साल के अंदर भैरव सिंह जी के 7 साल को निकाल दीजिए, मेरे 5 साल को निकाल दीजिए, नहीं तो 10-12 साल को छोड़ के 55-53 साल कांग्रेस के लगातार राज के रहे हैं राजस्थान के अंदर। मुझे 5 साल दिए तो हम लोगों ने राजस्थान के अंदर बदलाव लाने की पूरी कोशिश की। लगा हुआ मध्य प्रदेश इलाका आपका है, 10 साल वहां के लोग ने अपने मुख्यमंत्री को दिया तो उन्होंने देश के मानचित्र के ऊपर अपने मध्य प्रदेश को ला के रख दिया। इधर गुजरात, गुजरात के अंदर 15 साल मिले, 15 साल के अंदर देश के नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर ला के नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को ला के रखा। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब भी जानते हैं क्योंकि जगह जगह पे मैं जहां गई हूँ वहां लोगों ने बार बार आके हमको ये काम हमारा विकास का इंतजाम करिए
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां काम कराया है, उसी तरीके से हमारे राजस्थान का भी काम करके हमें दीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा राजस्थान गड्ढे में नहीं पड़े, हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, ऐसा विकास हो जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आए। एक जमाना था, प्लीज आप रुक जाओ, आप लोग सबको याद है कि इतिहास अगर राजस्थान का कोई उठा के पढ़ लेगा तो आपको मालूम है कि क्या शानदार इतिहास। उस शानदार इतिहास को देखने के लिए, सुनने के लिए, छूने के लिए लोग दूर दूर से राजस्थान आते हैं। आज राजस्थान के वासियों को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ता है, कलंकित हो गए हम सब, क्योंकि अगर कोई चीज की वजह से राजस्थान या जयपुर जाना जाता है तो सब लोग यह कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के गले की चेन अगर खींचती है तो वो जयपुर के अंदर। नंबर तीन है जहां वारदातें होती है एससी और एससी के अगेंस्ट। अगर आपके क्षेत्र प्रदेश के अंदर, आपका प्रदेश तीसरे नंबर पूरे देश के अंदर है, एससी और एसटी के साथ जो प्रताड़ित किया जाता है उनको तीसरे नंबर पे है पूरे देश के अंदर, वो राजस्थान। क्या राजस्थान का इतिहास था और आज की स्थिति में राजस्थान खड़ा है? कोई भी यहां पैसा लगाने को चाहता ही नहीं है। जो जो इंडस्ट्री यहां आई थी बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ जाड़ के उनको यहां लाए थे, उन सबने पिछले तीन वर्ष के अंदर अपनी इंडस्ट्री को उठा के और पलायन करने का काम कर दिया। कोई भी यहां लगाना इसीलिए चाहता है, वो कहते ना यहां बिजली है, ना यहां पानी है, ना यहां सही सड़क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए वो ही नहीं है। कोई हमारा हाथ पकड़ के हमारी मदद नहीं करना चाहता है तो यहां इंडस्ट्री लगा के क्या करेंगे हम? हम जाएंगे गुजरात, हम जाएंगे मध्य प्रदेश, हम चले जाएंगे दिल्ली, हमें राजस्थान में नहीं आना है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए आज से। मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम लोगों ने सरकार छोड़ दी थी उस समय महिलाओं के लिए जो हमने लाइन अलग से ली थी, उस महिलाओं की लाइन के द्वारा 20-22 घंटे बिजली हम घरों के अंदर सिंगल फेज के ऊपर लाने की हमने काम कर दिया था। मैं ये पूछना चाहती हूं कि तब तो बिजली आ रही थी और अब क्या स्थिति हो गई कि 8 दिसंबर को बिजली आ रही है और 13 दिसंबर को बिजली गायब हो गई है। वो क्यों गायब हुई और क्यों नहीं राजस्थान को सही बिजली मिल रही है तो कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं। मैं ये पूछती हूं कि जो भी सरकार होती है उसकी कुछ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो सरकार से ये माना जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, उनके क्षेत्र के अंदर नौजवान पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे उनको रोजगार का इंतजाम होगा। रोजगार का इंतजाम कोई कुछ पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है। आज आप देख लीजिए एक नया रूल निकला है कि आप 8वीं तक सबको पास करो। अगर सबको पास कर दोगे 8वीं तक तो आपको ना टीचर की जरूरत है, ना आपको भवन की जरूरत है, बस आप 9वीं में आ जाइए और 9वीं से अपना काम चालू कर दीजिए। यह एक इतना बड़ा षड्यंत्र है, मैं आप सबको बताना चाहती हूं, क्योंकि राजस्थान के लोगों का नाम था पूरी दुनिया के अंदर। लोग कहते हैं कि कॉम्पिटिशन में बैठते हैं राजस्थान के बच्चे, उनको नौकरी मिलती है। तो किस तरीके से इस षड्यंत्र के द्वारा धीरे धीरे ऐसी स्थिति बना दो कि राजस्थान के बच्चों को नौकरी न मिल पाए, ऐसी स्थिति आपने बना के रखना हमारे प्रदेश के अंदर रखती है। हमारा बच्चा जब हमारी सरकार थी 10 लाख लोगों को 5 साल के अंदर हमने नौकरी दिलाने का काम किया था, सरकारी और गैर सरकारी। मैं पूछना चाहती हूं कि पिछले 5 साल के अंदर कितने बच्चों को नौकरी मिली है आप लोग जानते हो? टीचर के कितने पद, 1 लाख से ज्यादा, 1,50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं, कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, परंतु उसको भरने का इंतजाम हमने नहीं किया और न हम करना चाहते। अगर कर देते तो आज टीचर की कमी नहीं होती, अगर कर देते तो आज डॉक्टर की कमी नहीं होती और राजस्थान जैसे दूसरे प्रदेश हैं वैसे फलता फूलता, उसका विकास होता और हम लोग आगे बढ़ते। ये आप लोग सबके सामने, महिलाओं के साथ आप देखो कैसा जोरदार अत्याचार हुआ है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, आपने पिछले 2-3 दिन से अखबार पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि 8 महीने से हमारी बच्चियों हो उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा था 8 महीने से लोग उसको जानते थे। 30 अप्रैल को सरकार को उसके बारे में मालूम पड़ा, परंतु राहुल गांधी आ रहे थे, अपनी सीआर खराब हो जाएगी तो कैसे किसी को बता सकते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। इसलिए उसको ढक के रखा, बच्चियों का कुछ भी हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है, बस
राजनीति के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। ये 4.5 साल हमने राजनीति राजनीति के अंदर ही खो दिया है। हमारी जनता किस तरीके चल रही है, उनका क्या हाल है, वो कोई पूछने को तैयार नहीं। किसान भाइयों से पूछ लीजिए, आज अपने पैर पे वो खड़े नहीं हो सकते। सही बिजली नहीं है, सही पानी नहीं है, बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता। अगर चले जाते बाजार के अंदर तो फसल का पैसा नहीं मिलता। और अगर कोई भगवान न करे ओला पड़ जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो मुआवजे का नाम न निशान कोई लेने को तैयार है। मैं पूछना चाहती हूं, अगर कोई किसान यहां है तो इन्होंने ये कह दिया था अखबार में, मैंने भी पढ़ा, कि मुआवजे का पैकेज निकाल के किसानों को पहुंचा दिया है, जिसमें बिजली की मैंने राहत और जिसमें पैसों का राहत लोगों को देने का काम किया है। किसी को जिसको मिला है? कोई भी किसान है जिसको मिला है? 1,50,000 ऋण बिना ब्याज के किसानों को देने का काम हमने शुरू किया था। किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला। और मेरे को लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर मिला तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए, 20 क्या जो 1,10,000-20,000 है वो सारा सब कोई ना कोई खा जाता है। इसी तरीके से अगर ट्रांसफॉर्मर बदल के आपको लाना है तो हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर लाना ही पड़ता था। अब तो 72 घंटे भूल जाओ, कभी 1 महीना कभी 2 महीना निकल जाते हैं और बिना रिश्वत का वो काम नहीं होता है। ये स्थिति आज राजस्थान के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तो कुछ नहीं काम किए, 4 साल 4.5 साल ऐसे निकाल दिए और एकदम से अब रेवड़ी बांटने का काम चालू कर दिया। एकदम से याद आ गया है कि अब चुनाव आने वाले हैं, लोगों को किस तरीके से फुसलाए, किस तरह से डराए, किस तरीके से बहकाए और वो किस तरीके से हमको वोट देंगे और रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारी सरकार 2006-2007 के अंदर हम लोगों ने भामाशाह की योजना चालू की थी, आप लोग सबको मालूम है, उस भामाशाह योजना के अंदर 50 लाख से ज्यादा परिवारों को हम आधार योजना, इसको आधार कहते हैं, हमारी ये योजना को दिल्ली की सरकार ने इस्तेमाल किया है, स्मार्ट कार्ड देके और 50 लाख परिवार को उनकी महिलाओं के द्वारा उनको इंसेंटिव माने उनको प्रोत्साहन के रूप में 1,500 रुपए उनके बैंक में डाल के हम उनका बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए हमने बैंक के अंदर रखा, अभी भी है। 800 करोड़ रुपए उसके लिए अलग रखे थे, उसके अंदर पेंशन मिलना था, उसमें SC ST BPL परिवार, उसके अंदर लघु और सीमांत कृषक, उसके अंदर पेंशन वाले, ये सब थे। अगर यही करना था आज रेवड़ी बांटने के बजाय 4.5 साल पहले से इस योजना के साथ ही लोगों को जोड़ दिया होता तो आज तक कितने लाखों लोगों को यह पैसा मिल जाता और आज इस तरीके से चुनाव के पहले उनको यह बांटने की जरूरत ही नहीं होती। परंतु वो तो तब होगा जब कोई मुखिया इसके बारे में आराम से बैठ के सोचता है, जब उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है और सब मतलब इतना ही है कि चुनाव हम जीत के आते हैं कि नहीं, तो वो तो अपने पुराने रास्ते पे चलेगा। सबसे बड़ी बात, और इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जाति को जाति से लड़ाना, मजहब को मजहब से लड़ाना, परिवार को परिवार से लड़ाने का काम इन लोगों ने करके रख दिया है। जो बहने हैं भाई हैं उनको लड़ाना, ऐसी स्थिति कर दी है और ये पुराना से चला आ रहा है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि 36 के 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमारा परिवार है। इस परिवार को इकट्ठा करके हमने ये तय किया है कि सबको ले जाके सबको विकसित करेंगे, ताकि एक ऐसा अनूठा विकसित राजस्थान हमारे सामने खड़े हो जाए जिसका फायदा आपको भी मिले, पूरे परिवारों को मिले। और सबसे अच्छी बात तो यह हो कि राजस्थान का एक स्वाभिमान बढ़े, इस चीज के लिए हम लोग सब लगने की तैयारी में। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, कितने शर्म की बात है कि राजस्थान के आजू बाजू के स्टेट तो सब निकल गए, पूरे दुनिया पूरे देश के लोग सब आगे निकल गए। वो राजस्थान जिसका व्यापारी माना जाता था दुनिया के अंदर, वो राजस्थान गड्ढे में रहेंगे, कितनी शर्म की बात है माता पे। आज आप लोगों को मेरा यही कहना है कि एक नया राजस्थान बनाने का हम लोगों को सोचना है, एक ऐसा नया राजस्थान जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा न करके हम लोग सब एक हो जाएं, क्योंकि जहां लड़ाई होती है, जहां झगड़ा होता है, वहां विकास नहीं हो सकता है। विकास तो वही होता है जब सब एक आवाज में बोलते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि राजस्थान को एक करने का काम हमको और आपको मिलकर करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि महिलाएं अत्याचार, कितने कितने अत्याचार आप लोगों के ऊपर हो गए हैं। एक ऐसा नया राजस्थान क्या आप नहीं चाहती हूं जिसके अंदर हम लोग अपना सिर ऊंचा करके चल सके? क्या आप ऐसा राजस्थान नहीं चाहते हो जहां हमारी महिला की इज्जत सुरक्षित रहे,
जिस परिवार के अंदर उसकी महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं है, वो परिवार सुरक्षित नहीं हो सकता है। उस परिवार को सुरक्षित रखने का काम हम और आप ही करेंगे, और इसीलिए मुझे ये आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर भी उन्होंने पूरा कुछ जो करना था वो सब कर दिया। उन्होंने आयोग खड़ा कर दिया, उस आयोग खड़ा करने के बाद पूरे फाइलें खंगाल दी, रोज अखबार में देना शुरू कर दिया कि इतना खा गए उतना खा गए। अरे यहां तक भी एक एक कालीन उठा के भाग गए। अब बताओ, मैं तो सब चीज सुनने को तैयार हूं। मैं तो इतना ही कहती हूं कि भगवान की दया से आज ये स्थिति है कि आप लोगों की इज्जत, आपने जो ये चुंदड़ियां बनाई हैं, आपने जो प्यार और विश्वास दिया है, उसको आज दिन तक हमने कलंकित नहीं करने दिया, क्योंकि आपको वायदा किया था कि ये मेरा परिवार। राजस्थान के अंदर आदमी गरीब जरूर होगा, परंतु वो स्वाभिमानी है, इज्जतदार है। हम भूखे सो जाएंगे, परंतु हम अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। और इसीलिए मैं इस परिवार के ऊपर गर्व करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस परिवार की स्वाभिमान और इज्जत हम फिर वापस लौटा सकते हैं। हम काम करके राजस्थान को उस दर्जे के ऊपर फिर लौटा सकते हैं, और हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आज हमको डराया जा रहा है एक नई चीज के साथ, सीबीआई नाम का चीज। आपने सुना होगा सीबीआई का नाम सुना है? जहां जहां उनको लगता है कि हम डराए किसी को धमकाएं, तो वहां सीबीआई को लेकर चले आते हैं। अभी आप ही आपने देखा ही है किस तरीके से हमारे आदरणीय गुलाब जी के पीछे पड़ गए। सब लोग जानते हैं कि गुलाब जी इस प्रदेश के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और आप लोग सब जानते हो कि ऐसा पाक व्यक्ति, एकदम सीधा साधा, जमीन पे जुड़ से जुड़ा हुआ आदमी से साथ काम करने वाला और भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, कितने दिन से इस पार्टी को और इस राजस्थान को संभालने के अंदर अपना खून और पसीना एक कर रहा है। पर उनको लगा कि ये यात्रा अच्छी तरह से निकल रही है, ये दोनों जन अच्छी तरह से सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो इनकी जोड़ी अपन तोड़ते हैं। चलो एक को डराए और धमकाए, एक को ऐसी स्थिति में ले आए कि वो मंच के ऊपर किसी के सामने नहीं आ सके। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ है, हमारे सब पूरे परिवार के साथ है। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पूरा विश्वास है न्यायालय पे, और हम जानते हैं कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग, अगर उन्होंने कहीं गलती की होती तो बात अलग है, परंतु जो गलती नहीं की है, ऐसी स्थिति में ईश्वर भी उनको संभालेगा और न्यायालय भी उनको पीछे नहीं छोड़ेगी, और यहाँ की जनता भी उनके साथ खड़े होने की तैयारी करेगी। यह विश्वास के साथ आज आपके सामने मैं खड़ी हूँ। आने दो, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। पूरी पार्टी एक है, और आप लोगों ने प्यार दिया है, हम तो मानते हैं कि ये परिवार ने जो हमें दिया है ये सबसे हमारे लिए अमूल्य है। आप हमको ये प्यार देते रहते हो, हम दौड़ते रहते हैं। ये प्यार देते रहो, हम दौड़ते रहेंगे, परंतु आपका विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका विश्वास, आपका साथ ये जरूरी है। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि ये बिजली आएगी, ये पानी आएगा, ये सड़क फिर से ठीक होंगे, ये फिर से इंडस्ट्री वापस आएगी, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी महिला के फिर से स्वाभिमान और इज्जत उनको हम देंगे, हमारे किसान को फिर उनके पैर पर खड़े होकर उनको मजबूत करेंगे, और हमारे इस परिवार को विकास की गंगा और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम हम लोग फिर से करेंगे। उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी नहीं, लड़ाई से हम कभी डरते नहीं। हमने ये कह दिया कि अगर परिवार की लड़ाई लड़नी है तो उस परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी हमें करने की जरूरत होगी हम करेंगे। आज भी आपको मैं कह रही हूँ कि उस लड़ाई में हम कोई कमजोर नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर उसको लड़ेंगे, और राजस्थान को बदल के छोड़ेंगे, एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसके ऊपर आप लोग सबका भी गर्व होगा। ये विश्वास करो। मुझे मालूम है कि कभी कभी मन में यह आता है कि 50 साल निकल गए, जो भी आता है वही राजनीति करता है, जो भी आता है वो यही कहता है विश्वास करो, और विश्वास हम करते हैं और हमको ऐसे ही धकेल दिया जाता है। परंतु 55 साल विश्वास करने के बाद जब नहीं मिला, तो मैं समझती हूँ कि एक नया हाथ पकड़ के कोशिश तो करो। हम लोग दोनों जन अगर मिलके चलेंगे, माताएं बहने इस बात का, आप भी उसमें आ जाएंगे, अगर युवा भी उसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो चिंता मत करो, हम लोग मिलके इस काम को पूरा कर सकेंगे। यही विश्वास रहने आज आप लोगों के बीच में आई। ये मुश्किल काम है। आप क्या
इसमें लड़ाई लड़ने के लिए आपको नहीं करना, हम लड़ेंगे, परंतु आपको लड़ने की तैयारी है? आप लड़ोगे? लड़ने की तैयारी है? इनको बता दोगे कि 4.5 साल कोई काम नहीं करने के बाद, 4.5 साल ना बिजली ना पानी ना कोई काम करने के बाद, और 4 महीने पहले आप हमको ये सपने दिखा के हमको अपने जेब में रख नहीं सकोगे? किसी ने कहा अरे मुसलमान भाई तो हमारे वोट हमारे जेब के वोट है? किसी ने कहा कि अरे काय की चिंता करते हो, एससी के वोट और एससी के वोट तो हमारे हैं, कहां जाएंगे, इतने सालों से हमारे ही हैं, कभी किसी के पास नहीं गए हैं, उनको अभी भी हमारे साथ रहे। मैं उनको फिर से कहलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जब हमने मनमोहन सिंह जी से पैसे मांगे थे तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये तो पेड़ पे पैसा थोड़ी उगता है, उस तरीके से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वोट भी ऐसे नहीं उगते, कोई बंधुआ मजदूर किसी का नहीं है, सब देखते हैं विकास जिसका है उस विकास के साथ राजस्थान जाएगा, एक नया राजस्थान बनाने की तैयारी सब लोगों के माइंड दिमाग में है और सबने ये तय कर लिया है कि आने वाले समय के अंदर हम मिलकर ये काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज हमें हिम्मत है, इसलिए आज हम हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हाँ कुछ भी हो अगले 4 महीने हम लड़ेंगे और हम अपने राजस्थान का विकास करेंगे। करेंगे कि नहीं? हम करेंगे, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हम लोग मिलकर करेंगे। यही मैं आप लोगों के बीच में कहने आई, तो आओ हाथ लो, हम लोग सब इस परिवार के हाथ एक दूसरे साथ मिलकर चलें और एक पूरा राजस्थान, एक नया राजस्थान बनाने का काम करें। एक सपना आपने जो देखा है और जो हमने देखा है, उस सपना को पूरा करने का काम करें। इस चीज के लिए एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इस चीज को हम सब मिलकर करेंगे। एक व्यक्ति के हाथ में ये ताकत नहीं है। ये मत सोचना कि मुख्यमंत्री के हाथ में कोई डंडा होता है कि मान उन्हें ऐसा कर दे तो सब बदल जाएगा, जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। मैं ये कह रही हूँ हम सब मिलकर करेंगे तो ये काम होगा, 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 इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये विश्वास करके चलिए। जो तैयार है तो हाथ ऊपर करके बता मेरे को, हम तैयार है। एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले भी देवली होके गई हूँ और पहले भी हम लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं। इस बार मेरे को टोंक की चारों सीटों का इंतजाम आप लोग करके दो तो सबको काम होगा। भारतीय जनता पार्टी, एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। कर रहे मिलकर काला झंडा।